बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। बेसिक शिक्षा में सुधार करने के लिए तो वैसे तो सरकार तमाम योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन बेसिक शिक्षा में सुधार धरातल पर दिखाई नहीं देता। आज हम बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक नगर क्षेत्र के मंत्री राजीव वर्मा जी से। राजीव वर्मा जी से बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि बेसिक शिक्षा में सुधार नहीं हो पाता, गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती। जी राजीव जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो जब से भाजपा सरकार आई है कितना अमूलचूल परिवर्तन किया है शिक्षा में कि जिससे शिक्षा में गुणवत्ता आ पाए। देखिए, नई भाजपा सरकार जब आई थी योगी जी की, तो उन्होंने सबसे पहले ड्रेस का परिवर्तन किया। ये बहुत ही सकारात्मक कदम था, क्योंकि ड्रेस एक ऐसा साधन है, बच्चा जब अच्छी ड्रेस पहनता है तो उसका स्कूल जाने का मन करता है, लोगों को भी अच्छा लगता है, स्कूल में भी अच्छा लगता है। तो हमको बहुत अच्छा लगा था और हमने उम्मीद भी ये करी थी कि नई सरकार के आने से शिक्षा में सुधार होगा। लेकिन अगर बात करें गुणवत्ता की, तो गुणवत्ता में कितना सुधार हो पाया आप? देखिए, गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है और सारे अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कभी भी अधिकारियों ने एक धरातल पर जो समस्याएं टीचर्स की उनको देखने का प्रयास नहीं करा। हमने भी कुछ दिन पहले ही डीएम साहब को और बीएसए साहब को एक ज्ञापन दिया था, कहा था कि पहले जब तक जमीनी हकीकत पर नहीं आएंगे, जैसे कि बिल्डिंग है, टूटी हुई बिल्डिंग पड़ी हुई है, जब तक बिल्डिंग टूटी होगी बच्चों की जान और शिक्षकों के खतरे में होगी, कैसे पढ़ा सकता है वो। उसके अलावा स्टाफ एक एक स्कूल में एक एक टीचर है, उसके बाद अगर कोई टीचर को काम पड़ता है, बैंक जाता है या अपनी दवाई लेने भी जाता है, इस बीच में निरीक्षण होता है, टीचर नहीं मिलता तो उसके नाम स्पष्टीकरण का आदेश दिया जाता है। ये एक मानसिक शोषण है उसका टीचर के लिए। साथ में समस्या आती है रसोइयों का मानदेय, कन्वर्जन कॉस्ट, खाद्यान्न, ये हमको 6-6, 8-8 महीने से नहीं मिला है किसी भी विद्यालय में। लेकिन बीएसए साहब ने, हमने आईजीआरएस पोर्टल पर सूचना मांगी थी, उन्होंने कहा कि इसका समस्या का समाधान हो चुका है। मार्च के महीने में केवल एक महीने का एमडीएम दिया गया था सारी व्यवस्था, आज तक रसोइयों को पैसा नहीं मिला है, रसोइयों काम छोड़ने धमकी दे रही है। क्या करा जाए टीचर समझ में नहीं आ रहा, टीचर एक पढ़ाने का साधन काम बाबू बनकर रह गया है वो। टीचर एमडीएम बनवाएगा, टीचर विद्यालय के सारे काम देखेगा, कार्यालय एक एक सूचना को 10-10 बार मांगता है। क्या कार्यालय में फिटिंग के लिए कंप्यूटर नहीं है? कंप्यूटर ऑपरेटर किस लिए रखे गए हैं कार्यालय में? एक एक ऑफिस में 10-10 बाबू क्या काम कर रहे हैं? इन सब की ड्यूटी है टीचर को बार बार परेशान न किया जाए। टीचर को अननेसेसरी विद्यालय जाकर निरीक्षण के नाम पर सीआरसी लगा रखे हैं, निरीक्षण करते हैं, और इनको जबकि बेसिक शिक्षा सचिव के आदेश है कि सीआरसी के द्वारा कोई भी निरीक्षण नहीं किया जाएगा, लेकिन ये झूठी रिपोर्ट देकर खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्पष्टीकरण दिलवाते हैं, टीचर पर दबाव बनाते हैं। आखिर इस दबाव की क्या मंशा है ये प्रतीत नहीं होती है। लेकिन जिस तरह सरकार कहती है कि साहब सरकार ने योजना बनाई थी, इंग्लिश मीडियम की हम बात करें, इंग्लिश मीडियम की तर्ज पर विद्यालयों को चलाने की एक योजना थी, तो क्या वो अमल में लाई जा रही है? क्या लग रहा है कि जो इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल हैं, क्या हम उनकी सरकारी स्कूल बराबरी कर पाएंगे? क्या बच्चों को जो बुक हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं? क्योंकि जुलाई का आज 16 तारीख है। देखिए, इंग्लिश मीडियम की सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ें, गवर्नमेंट स्कूल में न जाएं, यहाँ पर एडमिशन हो, हर गवर्नमेंट कर्मचारी का बच्चा भी यहाँ पढ़ना चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन फिर मेरा यही एक सवाल अधिकारियों से होता है कि जब तक समस्या है बिल्डिंग की, स्टाफ की, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, जब तक ये आप पूरी नहीं कराएंगे तो इंग्लिश स्कूल का एक सपना सपना रह जाएगा। रही बात पढ़ाने की, अप्रैल से लेकर आज 3.5 महीने हो गए हैं, किताबों के बारे में अगर जानते हैं तो किताबें कक्षा 4 की 5 की या 6, 7, 8 में कुछ किताबें आई हैं। हमको जब पूरी किताबें अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिल जाएंगी तो पढ़ाई का एक माहौल बन चुका होगा, अब तक टेस्ट भी हो जाना चाहिए था, लेकिन किताबें नहीं आ पा रही हैं, पढ़ाई कैसे हो? हमसे ये कहा गया था कि किताबें आप पुरानी ले लीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, तो कितने बच्चों के पास एक साल तक किताबें रह सकती हैं, ये एक बड़ा बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं हो सकता है, जब तक हमें ये किताबें समय पर नहीं मिलेंगी, एक बस्ता जो मिलता है बच्चों को, बैग समय से मिलना चाहिए, जूते मोजे मिलने चाहिए, यूनिफॉर्म मिलने चाहिए, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए। ये हो जाएगा
तो मैं समझता हूँ सरकार की जो पहल है इंग्लिश स्कूलों की भी वो भी एक सार्थक हो जाएगी। बात करें अगर ड्रेस की, क्योंकि अभी आपने कहा कि ड्रेस एक समय से मिल जाए, लेकिन ड्रेस का जो घोटाला है वो हर साल हो रहा है, क्योंकि ड्रेस के नाम पर लोगों की दलाली शुरू हो जाती है, लेकिन ये कैसे रोकेगी? क्योंकि जो स्कूलों में जो ड्रेस वितरण होता है, जैसे आप लोग बताते हैं 200 रुपये पर ड्रेस आती है, हर बच्चे के लिए 2 ड्रेस आती हैं, तो क्या ये जो घोटाला हो रहा है, ये जो बंदरवांड हो रहा है, ये कैसे रोकथाम हो पाएगी? क्या ये बात सत्य है कि बंदरवांड हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेसिक शिक्षा का जो शिक्षक है वो बहुत ईमानदार होता है और उसको अननेसेसरी डराया जाता है। हमारा टीचर इतना ईमानदार है, हमारे टीचर ने कभी भी ये नहीं कहा कि ड्रेस को आप दीजिए हमको, या इस दलाल से दीजिए, या किसी और एजेंट से दीजिए। हम सरकार से ये चाहते हैं, अधिकारी सब कहना चाहते हैं कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट इसमें बिल्कुल खत्म किया जाए। जैसे बुक्स आती हैं, जूते मोजे आते हैं, वैसे ही हमको अच्छी क्वालिटी की ड्रेस दी जाए। बच्चे के पास रहेगी, आपने अच्छी क्वालिटी दी है, आपकी चल रही है, हमारे ऊपर आखिर ये ड्रेस का एक वजन क्यों डाला जाता है? लेकिन बात हम दलाली की कर रहे हैं, हर साल दलाल सक्रिय हो जाते हैं, वो कैसे रोकथाम हो? देखिए, इसमें रोकथाम के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने भी सुना है हर स्कूल में अलग अलग एजेंट जा रहे हैं और बात करते हैं कि हमारी ड्रेस ले लो, हमारी अच्छी है। आखिर टीचर क्या है, कोई इसका वो तो नहीं है, जानकार तो नहीं है, कपड़े की परख कैसे करेगा वो? तो हमारा कहने का मतलब सरकार से यही है, अधिकारियों से भी, कि अच्छी ड्रेस को खुद सिलवाकर नाप लेकर हमारा भेजा जाए, जिसमें हमारे टीचरों की जवाबदेही खत्म हो जाए। लेकिन जिस तरह से जियो है, अगर कपड़ा खरीदा जाए, उसके उसकी सिलाई दी जाए बच्चे की, फिर उसे एक टेलर से सिलवाए, तो क्या उस पैटर्न पर, क्या उस जियो के तहत ड्रेस का वितरण होता है वास्तव में? जी हाँ, ऐसा है, हमारे पास जो आदेश आते हैं अच्छे से अच्छा कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब अधिकारियों का ये दबाव आता है कि ड्रेस आज ही वितरण कीजिए, क्योंकि सप्लाई एक कोई भी टेलर बहुत जल्दी नहीं दे सकता है, तो कहीं कहीं ड्रेस रेडीमेड भी यूज होती है। अब उस रेडीमेड में कैसी क्वालिटी आ रही है, टीचर अच्छे से अच्छा लेने का प्रयास करता है, अब क्या हो रहा है ये, तो मैं बार बार ये सरकार से कहना चाहूंगा कि ये ड्रेस वाले काम को एक भी दलाल सक्रिय नहीं रहेगा, अपनी तरफ से ड्रेस को वितरण किया जाए। ये थे हमारे साथ प्राथमिक शिक्षक संघ नगर क्षेत्र के मंत्री राजीव वर्मा जी। राजीव वर्मा जी का साफ कहना यह है कि अगर गुणवत्ता बेसिक शिक्षा में लानी है, तो जो शिक्षकों पर जो भार है, जो एक्स्ट्रा जो काम कराया जाता है शिक्षण क्षेत्र के अलावा, उसे रोक दिया जाए, और ड्रेस में जो घोटाला होता है उसे अगर रोकना है, तो ड्रेस सरकार जिस तरह से किताबें मुहैया कराती है वैसे ही ड्रेस मुहैया कराए, तो जो ड्रेस में होने वाला घोटाला है स्वतः ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार क्या इस ओर पहल करेगी, ये एक अपने आप में सवाल है। 7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ।